बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल की करियर में कई मोड़ आए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही उतार चढ़ाव देखे। काफी वक्त तक उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर नहीं हुए और फिर उन्होंने ओटीटी पर वेब सीरीज करने का मौका मिला। उन्होंने आश्रम के द्वारा करियर में रफ्तार पकड़ी और इसको स्पीड अप करने के लिए अभिनेता को एनिमल से मदद मिली। इसकी सफलता ने एक्टर को खोई हुई पहचान वापस दिला दी। सिर्फ 10 मिनट के रोल में बिना डायलॉग बोले भी बॉबी देओल छा गए। अब हाल ही में एक्टर मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किए गए हैं, जहां उनकी दरिया दिली देखने को मिली। सामने आए वीडियो में बॉबी देओल अलाना पांडे के बेबी शावर का हिस्सा बनने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने व्हाइट शर्ट और डेनिम कैरी किए थे। एक्टर काफी कूल अंदाज में दिखाई दिए। बेबी शावर पार्टी अटेंड करके एक्टर जैसे ही बाहर आए तो उनके सामने दो बच्चे आ गए। उन्होंने बच्चों को 500-500 रुपए के नोट थमा दिए और फिर बड़े प्यार से उनके साथ पोज देते हुए तस्वीरें भी क्लिक करवाई। इसके साथ वो बच्चे बातें करते भी नजर आए। इसे देखने के बाद लोग उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं और बॉबी देओल की ये दरिया दिली उनके फैंस को काफी लुभा गई है। एनिमल के बाद अभिनेता के पास पाइपलाइन में कई बड़े प्रोजेक्ट्स आए। एक्टर तमिल भाषा की एक्शन फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। फिल्म से उनका लुक भी सामने आ चुका है। इस फिल्म में एक्टर के साथ दिशा पाटनी और सूर्या भी लीड रोल में नजर आएंगे। एक्टर की झोली में हरिहर वीरा मल्लू नामक एक तेलुगु फिल्म भी है, जिसमें पवन कल्याण लीड में भूमिका निभाते नजर आएंगे। बॉलीवुड में भी एक्टर कई नए रोल्स में जल्द नजर आने वाले हैं। आश्रम के अगले सीजन की तैयारी में भी एक्टर लगे हुए हैं।